अरे बाइक की चाबी निकालना तो मैं भूल गया। देखो ना उसे, हमारी बाइक को गंदी कर रहे हैं वो। अरे कोई बात नहीं, गरीब बच्चा है, कुछ खाना खा रहा है, खाने दो उसे, हम अपनी चाबी ले लेते हैं। अरे ऐसे कैसे अपनी बाइक गंदी करने दूं मैं उसे, अभी बताती हूँ उसे मैं। अरे छोड़ो ना। अरे यार तुम भी। अबे ओए भिखारी, तुझे मेरी बाइक मिली गंदी करने के लिए? अबे सुन, अपना ना ये झोला उठा गंदा सा और निकल यहाँ से, समझा? भिखारी कहीं का। तुम्हारी ये चाबी, चलो जल्दी चलो, तुम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हो। अरे ये भिखारी का बच्चा फिर से हमारी बाइक पे बैठ के खाना खा रहा है, इसे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे यार क्यों परेशान हो रही हो, वो बच्चा खाना खा रहा है, खाने दो उसे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 10 मिनट लेट हो जाऊंगा। और वैसे भी तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, किसी भी खाते हुए इंसान को उठाना नहीं चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? वैसे तुम मीटिंग के लिए इतना लेट हो चुके हो, और ये भिखारी कहीं और जाके भी तो खाना खा सकता है, जरूरी है क्या कि हमारी इतनी महंगी बाइक पे बैठ के खाना खाएगा वो? और मुझे ना पता है कि ये हमारी बाइक पे बैठ के खाना क्यों खा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका झोला उठा के फेंका था ना, अभी देखना कहेगा कि मेरा झोला उठा के फेंका था, उसमें मेरा सामान था, वो टूट गया तो मुझे उसके पैसे दो। कैसी बातें कर रही हो काजल, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे उसे खाना खाने में, उससे मैं ज्यादा लेट नहीं हो जाऊंगा। और वैसे भी जब हम वहां से आ रहे थे, रास्ते में तुम्हारी फ्रेंड मिल गई, तुमने उससे आधे घंटे बात की, तब मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं ना यार, सिर्फ 10 मिनट की बात है, उसे खा लेने दो फिर चल लेंगे। तो ठीक है, हम ना कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं खड़े होकर वेट करते हैं, उसे खाने दो। काजल क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम उस भिखारी के चक्कर में मुझसे लड़ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। लड़ मैं नहीं रहा हूँ काजल, लड़ तुम रही हो। हाँ हमेशा गलती तो मेरी होती है, और अभी भी गलती मेरी है। अब तुम्हें जब जाना हो ना तो मुझे बोलना, मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगी। लो हो गया उसका, वो चला भी गया, अब चलो। कहाँ चलो, मुझे नहीं जाना आप कहीं, अब तो तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है। अरे यार काजल क्या परेशानी है तुम्हें, पहले तुम रुक नहीं रही थी, अब जा नहीं रही हो। मेरी दिक्कत ना सिर्फ और सिर्फ तुम हो, जो हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हो। काजल सोचना पड़ता है, दूसरों के बारे में हमेशा सोचना पड़ता है। हाँ तो ठीक है फिर, सोचते रहो तुम दूसरों के बारे में, बड़े आए समाज सेवा करने वाले। अरे अरे यार काजल, काजल। राहुल थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। क्यों क्या हुआ? अरे यार तू जिस रास्ते से डेली ऑफिस जाता है ना, वो पुल अभी 10 मिनट पहले गिर गया है, 102 लोग मारे गए उसमें। क्या पुल गिर गया? हाँ उस पुल के गिरने से ना 110 लोगों की मौत हो गई है। मुझे तेरी ना बहुत फिक्र हो रही थी, और तुझे मैंने कितनी बार कॉल ट्राई करा, तेरा कॉल भी नहीं लग रहा था, तो उस टाइम पे मैं और डर गई, पर तुझे ठीक देख करके मुझे अच्छा लगा। तूने जरूर कुछ पुण्य करे होंगे, क्योंकि तू रोज ऑफिस टाइम से जाता था, आज कैसे लेट हो गया? तू एक काम कर, दूसरे वाले रास्ते से ऑफिस चले जा, क्योंकि वो रास्ता ना ब्लॉक कर दिया है। ठीक है यार थैंक यू। चल यार तू अपना ध्यान रख, मैं चलती हूँ। चले तुम्हें घर छोड़ के मुझे ऑफिस भी निकलना है यार, अब तुम्हें क्या हो गया? ऊपर वाले का शुक्र है, अगर आज तुम लेट नहीं होते ना तो कितना बड़ा हादसा हो जाता तुम्हारे साथ। आज ना एक बात समझ आ गई कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो ऊपर वाला भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। अरे काजल तुम अचानक दूसरों के लिए कैसा अच्छा सोचने लग गई? देखो ना राहुल, अभी थोड़ी देर पहले उस भिखारी बच्चे के साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी वो दोबारा हमारी गाड़ी में आकर के खाना खाया, ताकि तुम किसी कारण ऑफिस जाने से लेट हो जाओ और उस दुर्घटना से बच सको। पता है तुम्हें, वो बच्चा ना भिखारी नहीं था, फरिश्ता था वो, जिसने आज तुम्हारी जान बचाई। और ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा और हमेशा दूसरों का भला किया। चलो अच्छा है तुम्हें ये बात समझ तो आई, चलो अब चलते हैं, तुम्हें घर छोड़ के मुझे ऑफिस भी निकलना है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे ना तो ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद जय भारत।